राकेश झुनझुनवाला का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इससे पहले उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। बताया जा रहा है कि उनका निधन मल्टीपल ऑर्गेन फेल्योर की वजह से हुआ है। उनकी तबीयत खराब होने के बाद ही उन्हें कल शाम से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला का जन्म मुंबई में साल 1960 में हुआ था। उनके पिता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। इसके साथ ही उनके पिता ने भी शेयर मार्केट में पैसे निवेश किए थे। राकेश झुनझुनवाला ने साल 1985 में चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से सीए का कोर्स किया। उनके पैच अपने पिता की तरह ही उन्हें भी शेयर मार्केट में पैसे लगाने का शौक था। देखा गया कि टाटा के शेयर ने यहां पर राकेश झुनझुनवाला को करोड़पति बना दिया। जी हां, शेयर बाजार में कदम रखने के बाद साल 1986 में राकेश झुनझुनवाला ने अपना पहला प्रॉफिट कमाया। उनकी पहली कमाई टाटा के शेयर से हुई थी। केवल 43 रुपए का टाटा टी का शेयर खरीद कर उन्होंने इससे 143 रुपए में बेचा। इसके बाद वह धीरे धीरे मार्केट में बड़े किंग के रूप में बनकर उभरे। वही देखा जा रहा है कि साल 2003 में उन्होंने एक बार फिर टाटा कंपनी पर भरोसा जताते हुए टाइटन कंपनी के पैसे इन्वेस्ट किए, जिसके बाद उनकी किस्मत बदल गई। उस समय टाइटन कंपनी के शेयर राकेश झुनझुनवाला ने केवल 3 रुपए में खरीदे, जिसका दाम 2772 रुपए प्रति शेयर है। आपको बता दें कि भारत के सबसे अमीर 50 लोगों के लिस्ट में भी शामिल है यहां पर राकेश झुनझुनवाला। और उनके निधन के बाद अब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।